बिहार के सिवहर लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला दो महिलाओं के बीच है। एक तरफ जहां एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी और बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन समर्थित आरजेडी प्रत्याशी रितु जायसवाल मैदान में हैं, जो कि रिटायर्ड आईएएस की पत्नी हैं। यहां छठे चरण में 25 मई को वोटिंग हुई थी। यहां पर 56.30% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सिवहर लोकसभा सीट पर बाहुबली नेता आनंद मोहन का खासा प्रभाव रहा है और जदयू ने उन्हीं की पत्नी लवली आनंद को यहां से टिकट देकर मुकाबला टक्कर का कर दिया है। इस सीट से लगातार 3 बार से बीजेपी की रमा देवी सांसद चुनी गई हैं, लेकिन एनडीए के बंटवारे में इस बार ये सीट जदयू के हिस्से में आ गया है और रमा देवी का टिकट कट गया है। साल 2019 में इस लोकसभा सीट पर 59.60% वोटिंग हुई थी। रमा देवी ने 6,08,000 वोट पाकर करीब 3,40,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीता था। उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार सैयद फैसल अली को हराया था। साल 2014 में भी रमा देवी ने 3,72,000 वोट पाकर जीत दर्ज की थी। बीते 15 सालों में सीट पर बीजेपी का झंडा फहरा रहा है। इस बार भी लवली आनंद का पलड़ा भारी दिख रहा है।